तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम मैगी ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया जो कि चारों तरफ से मैंने इसको फ्रेम कर लिया। ओके, इसको इसके अंदर डिप करना, सिंपली डिप करना, दैट्स इट। इसको प्रेस करके इसका पूरा का पूरा पानी निकाल देना, निकल गया इसका पूरा पानी। इसको क्या करना है, जो ये ब्रेड से इसको रख देना साइड में और इसके अंदर जितना आपको पानी की जरूरत है ना बैठ करें। एक बात जरूर याद रखें, हमें मैगी को ड्राई बनाना है, ठीक है, मैगी हमें इसको लिक्विड वाली बनानी है, हमें इसको ड्राई बनाना है। हम इसके अंदर इसका मसाला ऐड करते हैं, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर मसाला ऐड करने जा रहे हैं। जो मैगी मसाला आता है ना वो सिंपल, आपको ड्राई मैगी बनानी है। इसमें आप चाहें तो आप अनियन और टोमेटो इन सब फ्राइड करके भी बना सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो कुछ समय बाद में हमारी मैगी एकदम डन है, एकदम ड्राई मैगी बनी है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैगी का बोल बना लिया, जैसे सिंपली लड्डू के बोल्स बनते हैं उस हिसाब से मैगी का बोल बना लिया। इसको हमें इसके अंदर रख देना, अगर आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बॉल एकदम तैयार है, इस तरफ से भी पूरा हो चुका है एकदम बाइंड, हमारा हो चुका है एकदम बाइंड। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड क्रम्स हैं इसके अंदर इसको लपेट देंगे, जैसे कि हमारा जो बॉल है वो क्रिस्पी भी बने। डन, वन इज डन। सिंपल, अब हम क्या करेंगे, जितने भी बॉल्स हैं उनको कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने से पहले सेम मैं बहुत से वीडियोस में बताता हूँ, मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें ऑयल को गर्म करना, चाहे मैं कोई सी भी रेसिपी बनाऊँ, एक्स वाई जेड, कोई सी भी समोसा हो, कचौड़ी हो, बॉल्स हो, चीज बॉल्स हो, कुछ भी हो, मीडियम फ्लेम पे या एकदम लो फ्लेम पे अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके ऊपर ही उसको गर्म करें। फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो जो हमने ब्रेड का छोटा सा क्रम डाला था वो ऊपर आ चुका है, दैट मींस आपका ऑयल एकदम तैयार है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें बॉल्स बनाई थी मैगी ब्रेड बॉल्स, अब उन्हें हम ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे। कुछ इस तरीके से डालते रहना, फ्लेम शुड बी मीडियम और लो। सो एज यू कैन सी हमारा जो बॉल है वो एकदम तैयार है, कुछ इस तरीके से हमें इसको पकाना है। एवरीथिंग इज डन फाइन, बहुत अच्छे से पका है, अंदर तक पका है, वो हम चेक करेंगे जब हम प्लेटिंग करेंगे, इट्स डन। अब हमें क्या करना है, इसकी प्लेटिंग करनी है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए चारों तरफ से एकदम अच्छे से पका है ये, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो पकौड़ा है, हमारा जो बोल है वो एकदम तैयार है,
पास से आप जैसे कि देखेंगे एकदम चारों तरफ से फुल्ली डीप फ्राई है। अब हम इसको अंदर तक देखते हैं कि हमारी गार्निशिंग कैसी हुई, कि कैसे फ्राइड हुआ है। हमारी मैगी ब्रेड बॉल एकदम तैयार है।